रात में मैं एडिटिंग कर रहा था, करते करते संसार सारम बुझ गेंद्र हारम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर बाबा के दरबार में और यहां पे आज हम दर्शन करेंगे और आपको यहां की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दर्शन हो गया आप लोग का? दर्शन कर लिए? बहुत लोग दर्शन करके आ रहे हैं और सबको अच्छा टाइम लगा, बड़ा भीड़ है। लोग 1 बजे चले हैं, 5 बजे तक दर्शन करके लौटे हैं। चलिए हम लोग भी देखते हैं कितना टाइम लगता है। जैसी बाबा की इच्छा, अगर 5 घंटे रखना है तो उनके शरण में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया है और अब हम लोग कितने की दे रहे हैं? 50 रुपया दे दिए ना आपको, 2 का 100। चलिए अब हम लोग दर्शन के लिए निकल रहे हैं। दर्शन के लिए अब निकले हैं हम लोग। दोस्तों, यहाँ जब आते हैं आप, यहाँ चप्पल जूता खोलने की भी सुविधा है, यहाँ पे चप्पल जूता भी खोल सकते हैं आप। किधर से जाना है भैया? दर्शन करने इधर से जाना है। चलो ये जा रहे हैं हम लोग इधर से। बारिश हो रहा है दोस्तों और बरसात में बाबा के दर्शन के यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। और देखिए चाबी है, कैमरा है। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, बैग में डाल देते हैं। चाबी है गाड़ी का, मोबाइल है। बोलिए बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ की जय, बाबा भोलेनाथ की। 5 बज गया है और हम लोग 5 बजे आए हैं। आप देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। बम बम बोले। ये जाने आने के लिए बनाया गया है। देखिए किस तरीके के लाइन बनाए गए हैं, कतार बनाए गए हैं। लोग कतार में आते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए टीवी लगी हुई है, आप देख सकते हैं लाइव क्या हो रहा है। अभी देखिए दर्शन लाइव है, ये चल रहा है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो टीवी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं बाबा का ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे कैसे अभिषेक हो रहा है, कभी कैसे पूजा हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। तो ये देखिए हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे और लाइन में लगे हैं। बहुत लंबी लाइन है, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। सुबह में कम भीड़ होती है। तो 6 बज गए हैं और अभी तक हम लोग देखिए लाइन में हैं, लाइन अभी भी लंबी है। दोस्तों देख सकते हैं कैसे पूजा अर्चना चल रही है वहाँ पे, लाइन ये चल रहा है। वहाँ पे फूल क्यों चढ़ाए जा रहे हैं? उधर फेंकते हो? हाँ, इधर से फेंकते थे। नहीं, किस लिए चढ़ाते? कौन है वहाँ पे? वो अपने भोजनालय ना, उनके सेवक थे उनके। अच्छा, उनकी समाधि है? नहीं नहीं, सेवक, हाँ सेवक लोगों की समाधि है। अच्छा अच्छा, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पुजारी परिवार, जो यहाँ के पुजारी थे उनकी समाधि है ये, आप देख सकते हैं। दोस्तों 6:41 हो गया और हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। अब थोड़ी देर के बाद लगता है हम लोग का भी दर्शन हो जाएगा। बंधुओं, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित है, यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव ही विराजमान होते हैं। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापना अद्भुत है मित्रों, यहाँ बाकी सब मंदिरों से अद्भुत इसकी प्रतिमाएं, इसकी बनावट सब कुछ दिखेगी आपको। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। हम लोग जो पहुंचे हैं नंदी महाराज के गर्भगृह में और यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही प्राचीन काल का बनाया हुआ मंदिर है, बहुत ही प्राचीन। और हम लोग पहुंच चुके हैं गर्भगृह के पास में। अभी गर्भगृह नहीं पहुंचे, हम लोग देख सकते हैं सामने में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और
दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गर्भगृह में, बाबा के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं जहां से हम लोग का बाबा का दर्शन होगा। गर्भगृह में तो किसी को जाने नहीं दिया जाता है, गेट पे ही जाके आपको दर्शन करना पड़ेगा। आगे अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाबा का मूर्ति का दर्शन आपको नहीं करा पाऊंगा, लेकिन बंधुओं जितना हो सकता है उतनी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप देख सकते हैं सामने में जो दरवाजा दिख रहा है वो बाबा का गर्भगृह का दरवाजा है, वही सामने में दरवाजा दिख रहा है, वहीं से जाके हमें बाबा का दर्शन करना है। लोग लाइन में लगे हुए हैं और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरीके का इसका बनावट है। आप सामने में भी लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा। इन सामने में ही बाबा का गर्भगृह है जहाँ से हमें दर्शन करना है, दर्शन करके वहाँ से हम लोग निकलते हैं। दोस्तों हम लोग अभी बाबा के दर्शन करके बाहर निकले हैं। अंदर गर्भगृह में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैंने अंदर का कुछ आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बाहर की जो चीजें है वो मैं दिखाऊंगा आपको। दोस्तों जो यहाँ पे शिवलिंग है, ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन करने से जो अंदर गर्भगृह में शिवलिंग है उनका और इनका, हाँ, हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू। चलो तो ये जो देख रहे हैं ये वीआईपी गेट पास है, यहाँ से पास लेने के बाद वीआईपी गेट है, यहाँ से आप दर्शन के लिए सीधा जा सकते हैं। आपको उतना बड़ा लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं जो मैंने पीछे दिखाया आप। और एक बात और आपको बता दूं कि मंदिर के पीछे में जो शिवलिंग है, ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन करने से ना जो गर्भगृह में शिवलिंग है उनके दर्शन और इनके दर्शन उनके दोनों ही समान है। तो आप जब भी आए यहाँ पे मंदिर के पीछे में जो शिवलिंग है उनका दर्शन जरूर करें। चले दोस्तों तो हम बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों अब हम गेट से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद फिर हर हर महादेव। तो बंधु हम लोग का दर्शन हो गया, दर्शन करने के बाद हम लोग अब बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद अब यहाँ से जो हमारी यात्रा है कहीं और की शुरू होगी वो तो मैं बताऊँगा आपको। दोस्तों 7:30 हो गया और हम लोग का दर्शन कम्प्लीट हो गया, दर्शन कम्प्लीट करके बाहर निकल आए हैं हम लोग। चलिए अब आपको कुछ बाहर की दुनिया का सैर कराते हैं, बाहर में क्या है। बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें हैं, यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं। शिवाजी महाराज की बड़ी खूबसूरत प्रतिमा बनाई गई है बाहर में। दोस्तों जब आप बाहर वहाँ से निकलेंगे तो प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं और कुछ खाने पीने के भी चीज़ें हैं तो खा पी सकते हैं, बर्तन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आज जो हमारा प्लान है त्र्यंबकेश्वर में रुकने का प्लान है, तो हमने होटल देख लिया है, अब चलते हैं होटल में और रुकेंगे उसके बाद। तो हमने यहीं पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद ठीक मंदिर के बाहर ही हमने होटल ले लिया है, राधिका, राधिका ही बड़ा ही अच्छा खूबसूरत होटल है। चलिए मैं होटल का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ के भैया हैं रिसेप्शन पे, ये भी बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। राहुल, राहुल भैया हैं और इन्होंने हमें कमरा दिया है, कुछ डिस्काउंट भी दिया है, वो तो ठीक है। इनका कमरे का जो रेट है होटल का 1500 से लेकर, होटल का जो रेट है 2000 से आगे, 2000 से लेके 2500 तक का है। तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दे दूंगा, आप इसमें होटल रूम्स वगैरह आप अपना बुक कर सकते हैं नंबर के माध्यम से। तो ये होटल का कार्ड है, होटल राधिका इन, पेटीएम भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है और पेमेंट पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। इस पे नंबर और सब कुछ दिया हुआ है, एड्रेस वगैरह यहाँ पे आप बुकिंग अपना करा सकते हैं। हम फाइनली होटल पहुँच चुके हैं और हमने चेक इन कर लिया है, चलते हैं हम रूम में देखते हैं। ओहो ये लोग तो पहले से आ गया है, ये होटल का रूम है, 1400 रुपये का मिला है, बहुत ही बढ़िया। तीन लोग हैं हम लोग, तो तीन लोग के लिए तो बहुत बड़ा बेड है। और इधर एक बालकोनी भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बालकोनी कैसा है, बिल्कुल एकदम मंदिर के पास में। ये देखिए ये बालकोनी का सीन है, सामने जाएंगे वहाँ से एकदम बिल्कुल मंदिर जो है वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये हमारी धन्नो है, नीचे में देख रहे हैं धन्नो भी लगी हुई है। और जो हमारी नेक्स्ट जर्नी है उसके बारे में भी मैं बता दूँ या कल बताऊँ? ओम गुरुदेव एक होटल है, रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं, बड़ा ही शुद्ध। क्या रेट बताया था भैया आपने? 180 रुपये की थाली दिया है इन्होंने, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है, राइस है, पापड़ है और रोटी है घी लगा हुआ, बड़ा ही खूबसूरत है। आज का हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह जा रहे हैं जिसका
जाने का सबको इंतजार रहता है। तो मित्रों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।